हेलो एवरीवन, आज की जो आपकी क्लास है वो है माइक्रो टीचिंग की। माइक्रो टीचिंग की आज हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑन फीचर्स के बारे में स्टडी करेंगे। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बेनिफिट मिल सके। प्लीज़ शेयर और लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आज की हम क्लास स्टार्ट करते हैं। इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के पहले हम छोटा सा एक रिवाइज करते हैं कि इसके पहले तो माइक्रो टीचिंग के इंक्लूडेड टास्क को कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि प्रैक्टिसिंग एंड मास्टरिंग ऑफ स्पेसिफिक टीचिंग स्किल्स के लिए यूज़ किया जाता है, लेक्चरिंग, क्वेश्चनिंग एंड और द लीडिंग डिस्कशन, मास्टर ऑफ स्पेसिफिक टीचिंग स्ट्रैटेजीज। तो इसमें जो टीचिंग स्ट्रैटेजीज होती है उसको ज़्यादा, मतलब कि टीचिंग स्ट्रैटेजी बहुत ही फ्लैक्सीबल होती है, इसलिए हम माइक्रो टीचिंग का यूज़ करते हैं। तो यही है इम्पॉर्टेंट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसी से रिलेटेड है। आइए हम देखते हैं। फर्स्ट, माइक्रो टीचिंग इज रिलेटिवली अ न्यू इनोवेशन इन द फील्ड ऑफ टीचर एजुकेशन। जो माइक्रो टीचिंग है ना, ये बहुत ही एक, मतलब एक नया आविष्कार है कि टीचिंग एजुकेशन में, कि जिस किस प्रकार से माइक्रो टीचिंग के, यदि आपने डेफिनेशन और उसका जो साइकिल है, जो प्रोसीजर है, हमने देखा, तो उसमें हमने देखा एक यूनिक वे में एक टीचर को खुद एजुकेट करने के लिए क्लास रूम में कैसे वो बच्चों को बहुत अच्छे से डील कर सकता है, उसके लिए बताया गया है। नेक्स्ट, ये एक टेक्निक टूल की तरह, एक ट्रेनिंग टूल की तरह काम करता है, लेकिन बट ये कोई टीचिंग की टेक्निक नहीं है, लेकिन ट्रेनिंग टूल की तरह काम करता है। एक मतलब है कि एक ऐसी यूनिक मेथड है जिसको कि हम, जैसे थर्ड पॉइंट में हम देख सकते हैं कि इट इज़ अ स्किल डाउन टीचिंग। स्किल डाउन टीचिंग का ये मतलब है कि आपके कम बच्चों की, जिसमें कि जो स्ट्रेंथ है, बच्चों की जो स्ट्रेंथ होती है स्टूडेंट्स की, वो कम होती है, कम टाइम में होती है, मतलब कि 5 to 10 minutes में होती है। एंड जो इसमें साइज होता है, जो टॉपिक होता है, वो बहुत शॉर्ट लिया जाता है, और इस प्रकार से जो टीचिंग स्किल होती है क्या हो जाती है, हमारे टीचिंग स्किल तो नहीं, लेकिन टीचिंग की टेक्निक जो होती है वो बहुत इंप्रूव होती है, ठीक है। तो इसलिए स्केल डाउन टीचिंग इसे बोला भी जाता है। एंड नाउ नेक्स्ट, इट प्रोवाइड्स एडिक्वेट फीडबैक, क्योंकि हमारा जो फीडबैक रहता है, मतलब जो हमें मिलने वाला है, वो हमारे लिए बहुत ही परफेक्ट, बहुत ही सही होता है। तो जैसे कि हम बोले कि माइक्रो टीचिंग क्या करता है, अलग अलग जो अपॉर्चुनिटीज़ होती है उसको प्रोवाइड करता है, जो इसके टाइम ऑफ टीचिंग होता है, इसके लिए प्रैक्टिस होती है, और ये स्केल डाउन होने के कारण ये बहुत ही कम लोगों में एक सिमिलर या पाथवे में यूज़ की जाती है। नाउ नेक्स्ट, माइक्रो टीचिंग इज द परमिट्स अ हाई डिग्री ऑफ द कंट्रोल इन प्रैक्टिसिंग आवर पार्टिकुलर स्किल्स, कि माइक्रो टीचिंग आपको हर प्रकार की, कोई भी अगर आपने टॉपिक लिया हो किसी भी प्रकार से, तो वो क्या करता है, आपकी जो टीचिंग होती है उसको पर्टिकुलर एक स्किल के तहत ही सबको क्या करते हैं, इम्प्रोवाइज भी करता है और सबको इंट्रोड्यूस कराता है। नेक्स्ट है, इसमें हम यूज़ ऑफ वीडियो टेप का भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि माइक्रो टीचिंग एक शॉर्ट वे में, एक कम समय में, 10 से 15 मिनट में या 8 मिनट में या 5 मिनट में, जब कोई क्लास यदि हमें कंप्लीट करनी है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कोई भी चीज़ को बहुत ही ज़्यादा कंप्राइज करने की कोशिश करते हैं, और कंप्राइज करके एक अच्छा मटेरियल डिलीवर करने के लिए सोचते हैं, तो वो चीज़ इसमें यहाँ अप्लाई हो जाती है। जैसे एक सर्किट होता है, मतलब बहुत सारे बटन्स होते हैं उसमें, और लेकिन एक छोटे से सर्किट से बहुत सारी चीज़ें सर्कुलेट होती हैं, तो इसी प्रकार से जो माइक्रो टीचिंग होती है वो भी इसी प्रकार से काम करती है। तो ये बहुत ही एक अच्छा वे होता है कि जिससे कि टीचर एक अप्रोच होती है टीचर की आगे बढ़ने की, तो टीचर भी आगे बढ़ते हैं और सामने जो स्टूडेंट्स रहते हैं वो भी एक कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को जान पाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, आप छोटा सा एक डायग्राम है, इसको आप ड्रॉ करिएगा, तो आपके जो जितने भी पॉइंट हैं मैंने आपको बताए हैं, आप उसको इस तरीके से डायग्राम के थ्रू, या फिर आप अपना फ्लो चार्ट या दूसरा या साइकिल डायग्राम या आप कोई भी डायग्राम इस तरीके से बना के ज़रूर यूज़ कीजिए, और ये डायग्राम आपके लिए बहुत कंपलसरी है, आप इसको ज़रूर बनाएं। चलिए अब हम देखते हैं फीचर्स ऑफ माइक्रो टीचिंग।
मेरे साथ आप लोग नोट ज़रूर बनाइएगा, डायग्राम मेरे साथ बना के ही अगर आप समझेंगे, क्योंकि जो एक्सप्लेनेशन होता है, एक्सप्लेनेशन के लिए आपको एक एक पॉइंट में आपको बताऊंगी और आप लोग उसको अपने लेवल पे लिखेंगे, चाहे बुक्स या कुछ और भी सोर्सेज होंगे आपके, आप उससे भी नोट्स और भी ले सकते हैं। लेकिन जो प्रोसेस जो डायग्राम के स्पेशली जो मेरा मोटिव है वो है आपको डायग्राम के थ्रू पढ़ाना, ठीक है। नोट्स जो एक पर्टिकुलर जो बहुत सारे रिटर्न नोट्स होते हैं वो तो आप इधर से लेके आप लिख सकते हैं, लेकिन लिखना नहीं, आपको कुछ समझ के जब तक आप नहीं करेंगे तो आपको नहीं समझ में आएगा। तो अपने सोर्सेज जो हैं उसको और बढ़ाइए, सोर्सेज बढ़ाएंगे तो आपको बहुत नॉलेज मिलेगा। फर्स्ट हम देखते हैं कि दी माइक्रो एलिमेंट, ठीक है, कि माइक्रो एलिमेंट क्या है। माइक्रो एलिमेंट दी कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ द टीचिंग प्रोसेस इज कार्डिनल फीचर्स ऑफ माइक्रो टीचिंग इज अंडरलाइंग दिस इज अ बेसिक सुपरसीजन ऑफ द लर्न एंड परफॉर्म इफेक्टिवली द कॉम्प्लिकेटेड टास्क ऑफ टीचिंग वन शुड द फर्स्ट मास्टर द कॉम्पोनेंट्स ऑफ दैट टास्क, ठीक है। कि माइक्रो एलिमेंट इस तरीके का माइक्रो एलिमेंट की मतलब सबसे जो भी आपने एक छोटा से छोटा टॉपिक लिया है, जैसे कि कार्डिनल की बात की गई है, कार्डिनल फीचर कि इसके बिना माइक्रो टीचिंग नहीं हो सकती, इसके बिना माइक्रो टीचिंग अधूरी है, तो उसके लिए आपको क्या करनी है, इसमें बहुत सारी चीज़ों जो होती है इसके साथ काम करती है, और इसमें हमें क्या हम क्या करते हैं, सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग जो हमारी होती है वो अटेम्प्ट करता है स्टूडेंट, लर्न करता है स्टूडेंट, और उसके परफॉर्म भी करता है स्टूडेंट। तो जब स्टूडेंट इतनी सारी चीज़ें करता है तो उससे क्या होता है, जो हमारी टीचिंग होती है वो भी इम्प्रूव होती है। Now next, teaching skills of teaching and teaching strategies, ठीक है। अब ये देखेंगे हम कि teaching skills of teaching, इस जो teaching का skills है वो कैसे improve होता है, और teaching की strategy इसमें कहाँ किस percent तक इसमें पूरी applicable हो रही है। कि the concept of teaching skills not a new, कोई नई बात नहीं है कि teaching skills कोई नई है, नहीं, लेकिन क्या है, many textbooks of the teaching methods आई रिफर टू स्पेसिफिक स्किल्स और द टीचिंग स्ट्रैटेजीज। बस यही है कि आपको इसमें क्या करनी है, टीचिंग स्ट्रैटेजी जो है वो है आपकी मेन बुक, मतलब टेक्स्ट बुक। आपने कोई भी करिकुलम जो आप पढ़ रहे हैं उसके लिए आपको हार्ड कॉपी, उसके लिए आपको टेक्स्ट बुक का रीडिंग उसको आपको लेना बहुत ज़रूरी है। तो आपको क्या करना है, जो टीचिंग स्ट्रैटेजी का जो सबसे सही है, सबसे IMP जो स्टेप है वो है इसमें बुक पढ़ना। आप ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स पढ़िए, आप एक ही टॉपिक की बहुत सारी अलग अलग एडिटर की आप बुक लेके और उसे क्या कीजिए, उसको रीड करिए। क्योंकि जब तक बुक नहीं पढ़ेंगे तो टीचिंग स्ट्रैटेजी जो होती है ना वो क्लियर नहीं होती है। तो जब टीचर सही तभी पढ़ा पाता है अच्छा, जब तक वो उसने बहुत सारी बुकों से अवेयर हो, बहुत सारे टॉपिक से अवेयर हो, अदरवाइज नहीं तो टीचिंग आपकी सही नहीं हो पाती है, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, एक सिस्टमैटिक अप्रोच करनी है, एनालाइज करना है क्लासरूम में, बच्चे को आपको एनालाइज करना है क्लासरूम में, आपको इंटरेक्शन करना है। तो इंटरेक्शन का पर्पस जो है वो आपका पूरा होना चाहिए, मतलब रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है आपका द फीडबैक एलिमेंट। फीडबैक कि जब आपने इतना काम किया तो आपको उसका क्या, आपको क्या रिजल्ट मिला, आपको रिजल्ट के लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि जब तक है आपने कुछ चीज़ें मतलब सुपरवाइज करी है, इसके बेसिस में आपका जो आपने सुपरविजन किया है जो स्टूडेंट्स के लिए, वो एक ऑर्डिनरी टास्क बन के ना रह जाए। क्या करना है, बच्चों को हमें नोट टेकिंग, रिकॉल और इस तरीके से, जैसे कि हम क्लास में होता है बच्चों को जो हम पढ़ाते हैं कुछ, तो हम ऑब्वियसली है कि हम पूछते हैं कि आपको समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। आपने कोई भी क्वेश्चन लिया तो आपने जब क्वेश्चन कोई भी क्रिएट करते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है, मान लीजिए क्लास में है आपको कोई भी टॉपिक पढ़ा है तो आपने क्या किया, ओरल इवैल्यूएशन किया। तो ओरल इवैल्यूएशन हम जानते हैं इज वेरी मस्ट, ठीक है। तो बहुत मस्ट है कि ओरल इवैल्यूएशन बच्चे का होना चाहिए। आपने कोई भी क्वेश्चन किया तो आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी कि बच्चे को अभी तक समझ में आए कि नहीं आए, क्योंकि स्टूडेंट्स को हर चीज़ क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। फोर्थ, सेफ प्रैक्टिस ग्राउंड, कि प्रोवाइडिंग अ सेफ प्रैक्टिस ग्राउंड इज अनदर इम्पॉर्टेंट फीचर इज द माइक्रो टीचिंग, बट अ माइक्रो टीचिंग लेबोरेटरी सीम्स टू बी अ वन इफेक्टिव आंसर फॉर इट अपेयर्स टू अ पॉसेस ऑल द इनहेरेंट फीचर्स ऑफ द रियल क्लासरूम द स्टूडेंट्स टीच
द रेलेवेंट सब्जेक्ट मैटर टू जेन्युइन पीपल। और ये कि सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि जब माइक्रो टीचिंग का अगर आप प्रोसेस अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए आपको ज़रूरी है कि अगर आप कोई भी क्वेश्चंस भी रेडी कर रहे हैं तो उसका पहली बात तो ये कि आपको आंसर क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट ये कि जब यदि आपका ये ऐसा इनहेरेंट फीचर है कि जो क्लासरूम में बच्चे के लिए एक रियल टीचिंग के रूप में साबित होना चाहिए। एंड थर्ड वन इसी है कि सब्जेक्ट मैटर बहुत ज़्यादा करता है कि जब स्टूडेंट पढ़ता है, मान लीजिए एक स्टूडेंट को एक मौका दीजिए कि स्टूडेंट जो आपने जैसी टेक्निक यूज़ करी क्या स्टूडेंट को वो समझ में आया, जैसे कि अब क्लासरूम में क्या होती है, रीडिंग होती है, टीचर रीड करता है, जब टीचर रीड करता है तो वो चाहता है कि बच्चे भी रीड करना सीखे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स क्या करना है, रीड करना सीख रहे हैं कि नहीं सीखना, तो क्या किया आपने, सबसे पहले जो सब्जेक्ट की जो डिमांड होती है तो आपने क्या किया, एज अ सब्जेक्ट की डिमांड हो गया, आपने बच्चे को क्या किया, आपने बच्चों को स्टूडेंट्स को बुलाया, सबके सामने बुलाया, फिर उसके बाद उसने क्या किया, उसने उसमें जो रीडिंग का प्रोसेस है वो स्टार्ट किया करना, ठीक है। इस तरीके का यदि आप अपनी टीचिंग में इंक्लूड करते हैं तो आपके लिए एक सेफ्टी गार्ड का काम करता है। नाउ नेक्स्ट द टीचिंग मॉडल्स, ठीक है। टीचिंग मॉडल्स क्यों लेते हैं, द टेप्स ऑफ फिल्म्स, जैसे कि टीचिंग मॉडल में जैसे उन्होंने बताया कि जैसे वीडियो टेप का यूज़ करते हैं, तो टीचिंग को यदि हमें फैक्ट एक इम्पैक्टिव वे देना है तो उसके लिए टीचिंग मॉडल अप्लाई किया जाता है, ठीक है। सबसे पहले तो कि लर्निंग प्रोसेस भी अप्लाई की जाती है, प्रोवाइड आर ट्रेनिंग्स विथ अ मैनी अपॉर्चुनिटीज टू स्टडी द डिजायर द पैटर्न्स ऑफ द टीचिंग बिहेवियर, देयर आर ऑफ कोर्स मैनी स्टाइल्स, गुड टीचिंग ट्रेनिंग एंड डेवलप देयर स्किल्स इंडिविजुअल स्टाइल्स, इस तरीके के लिए। तो क्या है, जब टीचर जब टीच कर रहा है तो उसको एक अपनी एक यूनिक वे में उनको अपना टीचिंग का स्टाइल रखना होगा, तो उससे क्या होता है बच्चों को समझ में आता है। और यदि आपको लग रहा है कि ज़रूरत है टीचिंग का स्टाइल बदलने की, तो प्लीज़ अगर आप में लग रहा है कि बदलना है तो आप प्लीज़ बदलिए, नहीं तो बच्चे को, क्योंकि स्टूडेंट्स को यदि समझ में नहीं आएगा, जब बच्चे क्लास में हर प्रकार के बच्चे होते हैं, यदि उनको समझ में नहीं आएगा तो आपके पढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। अब सिक्स देखते हैं, दिस इज़ द लास्ट, द रिसर्च लेबोरेटरी द माइक्रो टीचिंग लेबोरेटरी सिंप्लीफाइज द एक्ट टीचिंग एंड प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज फॉर अ कंट्रोल्ड रिसर्च to a degree never possible before. According to Allor and Ryan, the following areas of research seem to make the most effective use of micro teaching settings. तो settings किस तरीके की settings की बात कर रहे हैं Allor and Ryan, कि in-house studies, a design should be optimized, the procedure and sequence of micro teaching. Next one is research in modeling and supervising techniques. Next one is task analysis of the teaching behavior, the act and investigation of teaching and students' performance and teaching behavior. And last is aptitude of the teacher, aptitude treatment are interactive, the studies to try to provide optimal training, the procedure for teachers with different abilities, interest and backgrounds. कि स्टडी हाउस में हों, मतलब प्रोसीजर इतना अच्छा हो कि आप सीक्वेंस से माइक्रो टीचिंग की हर स्टेप्स को अप्लाई कर सकें, ठीक है। रिसर्च तो आपके लिए ज़रूरी है, सुपरवाइज भी ज़रूरी है, उसके लिए सही टेक्निक एनालाइज करना, इन्वेस्टिगेट करना, एंड आपका एप्टीट्यूड ट्रीटमेंट कि जब आप पढ़ा रहे हैं तो आपका जो प्रोसीजर हो वो बिल्कुल सही हो, ताकि आपकी एबिलिटीज टीचर की और स्टूडेंट्स की दोनों की इम्प्रूव हो, ठीक है। तो फीचर्स इतने ही हैं, आपको इतना लिखना है और उसके डायग्राम के थ्रू जो भी एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दिया आप उसको लिखिए और पढ़िए। नाउ टेक केयर एंड बाय बाय, सी यू सून। देखते रहिए मेरे साथ, मेरा चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। नाउ थैंक यू एंड कीप वॉचिंग, प्लीज़ Like, subscribe and share on my YouTube channel और bell icon को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि आपको daily आपको नए नए videos मिलते रहें। Now take care, bye bye.